आम बुबू को मेरा पलाग, सभी बड़े भाई बहनों को मेरा नमस्कार और दगड़ियों को हाय। सॉरी सो यहाँ पे एंड लगाई सबसे छोटी। आम बुबू को मेरा पलाग, सभी बड़े भाई बहनों को मेरा नमस्कार और दगड़ियों को हाय। कसरी हाल चाल घर पर सब ठीक है री? उन सबों का स्वागत हो हर्षी ब्लॉग में। पहले तो उन सबको हरेला पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि हरी फिर घर पर ना कसमलांछा तुम हरेला कसमलांछा वो पर्व बटे रत्ती बहुत दियो हैरो कुल दियो ठहरो है। कहाँ जाना फिर बताओ? ये 24 घंटे तक दियो हो जा रहा है, कहाँ जाना है? बारिश हो जा रही है, कहाँ जाना हुआ फिर? अब हरेला ही बनाएंगे, घर ही रहेंगे। फिर मौसम से मौसम कैसा हो रहा है? इतना भयंकर हो रहा है कि यह बारिश ही बारिश हो रही है कुल। और यहाँ सुबह सुबह का मौसम देख लो आप कैसा हो रखा है। बारिश आ सकती है, यहाँ देखो ऐसा मौसम हो रखा है सुबह सुबह का है अभी। यहाँ देखो मॉर्निंग व्यू दिखा रही हूँ मैं आपको, मॉर्निंग व्यू में ऐसा है अभी। तो फैमिली मैं तैयार हो चुकी हूँ, पूजा पाठ कर चुका है और आपको दिख रहा है मैंने टीका टूका सब लगा चुका है। तो पूजा पाठ हो चुकी है, नहा धो के सब घर में सब तैयार हो चुके हैं। अब बन रहा है पकवान जो कि बनते हैं और उसके बाद हम हरेला पकवान सारे बन जाएंगे तो भगवान जी को चढ़ेंगे, उसके बाद हरेला कटेगा। तो अभी क्या है, मैंने भी आज ग्रीन पहना है, आज ग्रीन कलर हरेला ग्रीन कलर का, मैंने हमारे घर में मम्मी ने भी ग्रीन पहना है, मैंने भी ग्रीन पहना है और उसके बाद देखते हैं और फिर क्या करेंगे वही आपको दिखाया जाएगा। आज मैं कि बिल्कुल रेडी, क्योंकि जब भी कोई त्यौहार होता है ना तो उस दिन अलग से रेडी होते हैं, तो अलग आपके अंदर ना एक नई ऊर्जा का उत्पन्न होती है, नई ऊर्जा आती है आपके बॉडी में। तो मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को भी ऐसे जो कोई त्यौहार आता है उसका उसमें ऐसे तैयार होना चाहिए। और फिर चलते हैं, आपको जो हरेला कटिंग होगी आपको दिखाया जाएगा और क्या क्या हम बना रहे हैं वो भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। जैसा आप सभी को पता है आज है हरेला पर्व और आज इसको काटा जाता है क्योंकि सावन में जो भोले शंकर जी होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रिय होता है ये। और देखो जैसा हमने बो रखा है, वैसे हमने मंदिर में बोया था लेकिन वहाँ पर थोड़ा अंधेरा था इसलिए मैंने यहाँ पर रखा, आपको दिखा रही हूँ कि ऐसे बो रखा, इतना बो रखा है पूरा। और 9 दिन पहले इसको बो दिया था, जो घर के बड़े होते हैं वो बोते हैं और वही काटते भी हैं। तो अभी अब जैसे कटिंग हो गया हम आपको दिखाएंगे। फैमिली जैसे कि आज आप सभी को पता है हरेला पर्व है और हमने बो रखा है, मैंने आपको जैसे दिखाया कि आंटी ने बो रखा है, जो घर के सबसे बड़े होते हैं वो बोते हैं और तो वही काटेंगे भी। अभी आंटी इनको काटेगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे इनको काटते हैं। और इस दिन क्या होता है, पूरी हलवा पकौड़ी सब चीज़ें बनती हैं क्योंकि ये भी त्यौहार की तरह मनाया जाता है। और इसको हम क्या करते हैं, ये जो 5 अनाजों से बनता है, बोया जाता है 5 अनाजों की हेल्प से। और इसमें कोई भी काला अनाज जो होता है वेस्ट टाइप का नहीं होता है, सारा जैसे गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, राई हो गई और आपका जौ हो गया। तो ये और एक चीज़ और है जो थोड़ा सा दिमाग से गहत आता, ये चीज़ से थोड़ा सा मिलके बनाया था कि मेरे को भी ज़्यादा पता नहीं है, तो मैं भी अब इस बार फैमिली से पूछ के तो आप लोग को बता रही हूँ। इतना पता है कि हरेला पर्व मनाते हैं और यही पता है कि पूरे साल में 3 बार आता है, जैसे 2 टाइम तो नवरात्रों के टाइम पर आता है क्योंकि उस टाइम पर माता रानी को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, उस टाइम पर जौ की हेल्प से बोया जाता है। लेकिन इस टाइम पर क्या होता है, भोले शंकर जी को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, जैसे सावन की जो फर्स्ट जो सावन जैसी लगता है उस टाइम पर इसको काटा, जैसे अभी सबको पता है कि सावन लग चुका है इसलिए हम इसको कटिंग करेंगे और फिर उसके बाद सब लोग अपने सर पर रखते हैं इसको, मंदिर में भी चढ़ाते हैं, सर पे भी रखते हैं। एंड उसके बाद सब जो भोजन बना होता है, जो पकवान बने होते हैं उसका उसको ग्रहण करते हैं। तो आप लोग बताना, आप लोगों को जो अभी कटिंग करके आप लोगों को दिखाएंगे इसके बाद हम क्या करते हैं वो सभी आपको दिखाया जाएगा। तो आगे देखते रहे, आपको काफी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर हरेला काट रहे हैं, देख सकते हो भैया ने पहनी है धोती और यहाँ अभी पूजा कर रहे हैं। ऐसे हेलो बोल दो, हैप्पी हरेला बोल दो सबको, हैप्पी हरेला हरेला। सो अब आंटी का ड्रेस कार्ड आप देख सकते हैं। तो ये देखो आंटी ने पूरा हरेला काट चुका है, एक इसका पूरा, उसके बाद भगवान जी को चढ़ेगा ये। सो यहाँ पे आंटी लगाई सबसे छोटी को हरेला, इसका फर्स्ट हरेला इस बार। और यहाँ देखो आप, सो आप देखो अंशु अंशु अक्षु 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 क्या देख रही है सट देगा अक्षु में जीरे जागरे टिस्टे पंपे
तो अब उन्नति की बारी है। ये उन्नति छोटी से बड़ी वाली है, उसकी बड़ी दीदी है ये। चलो देखो अपने पैसे गुल्लक में डालने लग गए जाओ को बुद्धा जो सो को प्राण है जो आकाश में वो ऊंचे है जो धरती पर वो चाके है जो तो जोड़ अंबर है जो यार से बात सुन रहा ओए क्यों मैं पैसे ये वारी है भाभी को लग रहा है हरेला हमारे पकवान में बन रहा है आलू की कचौड़ी जो होती है वो हम इस आलू को हमने आलू को कद्दूकस कर चुका है और थोड़ा इसमें हमने धनिया रखा है, मिर्च रखी है और इसमें ऊपर से आपको दिख रहा होगा लहसुन भी डाल दिया मैंने पीस के। और ये है आटा, हम वैसे नहीं बनाएंगे जैसे कचौड़ी बनाते हैं, मैं दूसरी वाली कचौड़ी बनाती हूँ जिसमें मैं क्या करती हूँ आलू को इसके साथ आटे के साथ मिक्सअप करके फिर उसके बाद नॉर्मल जैसे हम पूरी बनाते हैं उस टाइप की बनाते हैं तो आपको बना के दिखाते हैं। तो फैमिली हमारी कचौड़ी बन रही है, आटा हमारा गूंथ चुका है, देखो हमने पूरा आटा गूंथ दिया है और ये हमारी आलू की कचौड़ियाँ और ये बन रही हैं आप और हम बना के फिर आपको एकदम बनने के बाद अभी बन रही है हमारी कचौड़ी। सो फैमिली जैसे देखो मम्मी ने भी ग्रीन पहना है, मेरा भी ग्रीन है बट ऐसे ब्लू 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 के दिख रहा है, पता नहीं नहीं पता मेरे को, मम्मी ने भी ग्रीन पहना है। सो मम्मी भी कह रही है सबको हरेला पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मम्मी और मेरी तरफ से हमारी पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी को, आप सभी के परिवार मेंबर जितने भी हैं सबको हरेला की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम बना रहे कचौड़ी। तो यहाँ देखो हमारी कचौड़ी हो चुकी है, बन चुकी है और यहाँ पर भी बन रही है, थोड़ी सी हमारी दो और बची हैं अभी तलने के लिए और हमारी कचौड़ी हो चुकी है रेडी और इसको मम्मी तल रही है। लास्ट का मैं थक गई थी, पसीना बहुत आ गया था तो मम्मी ने कहा चलो मैं कर लेती हूँ। तो भैया की तो है ऑफिस, भैया जा रहा है ऑफिस, तो भैया हैप्पी हरेला सभी को एंड सब स्वस्थ रहे, खुश रहे और हरे की सबको सब ऑफर मिलाएगी। देखो इसने ग्रीन पहना है और मैंने भी ग्रीन पहना है, थोड़ा सा कैमरे में आता आ रहा है पर हम सबने ग्रीन ग्रीन पहना है और भैया का तो ऑफिस है, भैया जा रहा है ऑफिस वगैरह नाश्ता और वो जाता है उसके बाद हमारे हरेला पर्व जो है हरेला त्योहारे जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये कुमाऊं का प्रसिद्ध हरेला पर्व होता है, जीरा जाग रहा फूल रहा फल रहा ये जो है बहुत ज़्यादा इसका महत्व है और ख़ासकर जो है जब किसी की शादी होती है तो पहला हरेला आता है तो उसको वो जो है घर बोलनी चली अब लड़की जो है वो मेहता आती है उसके बाद जवाई और लड़की को जो है हरेला उनका हरेला से स्वागत किया जाता है। अच्छा तो मैं आप कुछ कहना चाहोगे इस बात पे? हाँ। आप क्या पेड़ लगा रहे हो आज? हाँ, मैं लगाऊंगी आम का पेड़। आम का पेड़? आपके वहाँ आम छत पर हो गया आम का पेड़ आज? हाँ, गमले में लगाने वाली मैं, एक आम का पेड़। चलो ठीक है, औषधि का पेड़ लगाऊंगा, औषधि का, मैं तो आम नहीं खाती ना। चलो ठीक है गाइस, जैसे जो भी मम्मी लगाएगी आपको दिखाया जाएगा कौन सा आम का पेड़ मम्मी लगाएगी वो भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगी आज। और फिलहाल ये खाना बन रहा है, खाना खाने आ जाओ। सो फैमिली आप सभी ने देखा कि हम हरेला कैसे बनाते हैं, मैंने आपको पूरी वीडियोज़ दिखाई, आंटी ने हरेला काटा था कटिंग से लेके क्या क्या खाने में बना है सब कुछ मैंने आप लोग को दिखाया था। आप लोग बताना आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और बताना कि आप लोग के वहाँ भी ऐसे ही हरेला बनता है या कुछ डिफरेंट बनता है, क्योंकि हम लोग के वहाँ ऐसा ही बनता है। और कुमाऊँ का सबसे मतलब मेन त्यौहार जो होता है वो हरेला होता है, तो आप लोग बताना
और लाइक करना मत भूलना प्लीज़। बाय बाय।